मैं इस थीम के बारे में आपको बताने वाला हूँ। यह है MIUI 12 का सबसे बेस्ट कस्टमाइजेबल थीम, और इस थीम में इतने ज़्यादा कस्टमाइजेशन का फीचर्स हमें देखने को मिलता है और किसी भी थीम में हमें देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इसमें हमें क्या कुछ देखने को मिल जाता है। सो गाइस, जैसे ही इस थीम को आप अप्लाई करेंगे तो आपका स्क्रीन कुछ इस तरह से हो जाएगा। इस तरह का क्लॉक आपको देखने को मिल जाएगा, इस तरह का आपको डेट मिल जाएगा, यहाँ पर आपको वेदर देखने को मिल जाएगा, आइकन कुछ इस तरह का और वॉलपेपर आपका कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। लेकिन आप इन सभी को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से करना है। उसके बाद गाइस, यहां पर कंट्रोल सेंटर आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अलग देखने को मिलता है। उसके बाद गाइस, यहां पर बात करें डायलर का, तो देख सकते हैं डायलर आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। उसके बाद यहां पर सेटिंग जो है, वो सेटिंग में पूरा का पूरा चीज आपको चेंज देखने को मिलेगा। जो भी यहां पर टैग्स है और जो भी यहां पर आपको आइकन देखने को मिलेगा, वो बहुत ही अलग देखने को मिलेगा आपको। इसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे MIUI वर्जन पर, देख सकते हैं MIUI का लोगो भी आपको यहाँ पर चेंज देखने को मिलेगा। और उसके बाद गाइज, बात करें और सभी फीचर्स की इसकी, तो ये काफ़ी अच्छा थीम है और काफ़ी स्मूथ हमारे फ़ोन के ऊपर में काम कर रहा है। किसी भी तरह का यहाँ पर लैग या कहीं पर भी कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर एनिमेशन जो है वो काफ़ी कमाल का है। आप देख सकते हैं एप्लीकेशन का आइकन का एनिमेशन कुछ इस तरह का हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद गाइज, बात करें इसके और सभी कस्टमाइजेशन का, तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन के ऊपर में ढेर सारे फीचर्स हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का चार्जिंग एनिमेशन को आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं इस थीम में। और उसके बाद यहाँ पर लॉक स्क्रीन के ऊपर में कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको क्लॉक और उस तरह से डेट और यहाँ पर गैलरी और उस तरह से वी चार्ट, जो कि हमारे फ़ोन में इंस्टॉल भी नहीं है, लेकिन ये सब देखने को मिल जाता है। यहाँ पर नीचे के साइड में एक डॉट देखने को मिलेगा, इसके ऊपर में क्लिक करेंगे तो आपका म्यूजिक प्लेयर ओपन हो जाएगा और आप यहां से सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हैं। उसके बाद गाइस, हम लोग इसको बैक कर देते हैं, और उसके बाद जैसे ही आप इधर क्लिक खींचेंगे अपने फ़ोन को, तो उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर भी बहुत सारे चीज़ें, जैसे कि स्टेप, और उसी तरह से यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का और भी MIUI पे भी देखने को मिल जाएगा, होम टॉर्च यहां पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद गाइस, यहां पर कस्टमाइज का एक आइकन देखने को मिलेगा, जो कि देख सकते हैं ऊपर के साइड में है, यहाँ पर क्लिक करके कस्टमाइज भी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से करना है, पहले मैं इसे बंद कर दूं। तो देख सकते हैं ये बंद हो गया, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरह का दो अलग अलग पेज। यहाँ पर आपका कैमरा चालू हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको म्यूजिक वाला बटन मिल जाता है। लेकिन गाइस, यहाँ पर जो बटन है गोल वाला, इसके ऊपर में क्लिक करेंगे तो आप होम स्क्रीन को और लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हैं थोड़ा बहुत। तो देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पर होम स्क्रीन है, यहाँ पर होम स्क्रीन है, यहाँ पर लॉक स्क्रीन है। तो होम स्क्रीन पर मैं क्लिक करता हूँ, और उसके बाद देख सकते हैं होम स्क्रीन में अलग अलग तरीके का यहाँ पर डेट और वेदर का यहाँ पर आइकन आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे अच्छा मुझे ये वाला लगता है, तो इसको मैं रख के और यहाँ पर राइट क्लिक कर दूंगा। उसके बाद गाइस, फिर से मैं यहाँ आऊँगा, लॉक स्क्रीन कस्टमाइज करना है, तो यहाँ पर आप ऊपर एनिमेशन देख सकते हैं कि किस तरह का होने वाला है। तो यहाँ पर इन सभी को आप इजीली सेट कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला अच्छा है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर लॉक स्क्रीन के ऊपर में सेट हो गया, लेकिन यहाँ पर हमें और भी कुछ देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये सारे कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लॉक ऑन करता हूँ और दिखाता हूँ आपको, देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने सेट किया था वेदर टाइम, वो सब कुछ यहाँ पर आ गया है। कुछ कुछ चीजें आपको चाइनीज में देखने को मिल जाती है यहाँ पर। इसके बाद गाइस, यहाँ पर और भी कस्टमाइजेशन का फीचर्स है इस थीम में, जो कि काफी मस्त है और बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद अपने फोन का लॉक ऑन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर कस्टमाइजेशन का फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं, अपना फ़ोटो भी लगा सकते हैं इसमें, और चार्जिंग एनिमेशन को भी चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे ढेर काम कर सकते हैं। देख सकते हैं ये वाला चार्जिंग एनिमेशन को मैं अभी इनेबल किया हूँ, लेकिन यहाँ पर बीच वाला मैं कर देता हूँ, और उसके बाद फ़ोन को बैक करता हूँ, लॉक करता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा चार्जिंग एनिमेशन किस तरह का आ रहा है, तो देखिए। उसके बाद गाइस, दूसरा वाला चार्जिंग एनिमेशन ये वाला है, जो कि काफ़ी ये भी कमाल का दिखता है। तो आप इन सभी चार्जिंग एनिमेशन को आसानी से यूज़ कर सकते हैं इस थीम को डाउनलोड करने के बाद। अब मैं आपको बताता हूँ फाइनली इस थीम को कैसे डाउनलोड करना है। तो बस थीम एप्लीकेशन में जाना है गाइस, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस थीम का नाम है प्योर 2 प्रो V12।
तो इसको आपको डाउनलोड करना है और सिंपली यहाँ से सभी कुछ यहाँ पर सिलेक्ट करके, जैसे कि लॉक, होम स्क्रीन, सिस्टम, आइकन, इन सभी के ऊपर में टिक लगा देना है। इसके बाद इसको अप्लाई कर देना है। तो अप्लाई जैसे ही करेंगे ये आपके स्क्रीन के ऊपर में सेट हो जाएगा और कुछ इस तरह का लुक आप अपने फ़ोन के ऊपर में पा सकते हैं। थैंक यू गाइस आज के इस वीडियो देखने के लिए।